हाथ में शीशे का गिलास पकड़ा हुआ है और वो शीशे गिलास वो है जिसमें हम सारे घर वाले पानी पीते हैं। और इससे पहले जाऊंगा जाकर पौधों को पानी डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक करता हूँ एक न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं ऊपर आया था, ऊपर आकर पौधों को पानी डाल रहा है। तो इन पौधों में मैंने बीज लगाए थे, ये वाले पौधे, इनमें मैंने बीज लगाए थे। इनमें से इतना धनिया निकला है ना, सारा धनिया मैं उतारा था मैंने और तोतों को डाला, खुद खाया। और इन सब में मैंने और बीज भी कुछ लगा दिए थे। तो अब इनको पानी शानी डालते हैं। मेरे पास पानी डालने के लिए सिर्फ ही चीज़ थी, कप सा मेरा पड़ा हुआ था। तो इस कप में पानी डालते हैं पहले और उसके बाद इन सब को ऐसा ऐसा पानी देते हैं ताकि सब तरोताज़ा हो जाए। मामा वहाँ पर हैं, कपड़े शपड़े फैला लिए, ठीक है। और हम लोग इधर तोतों के ऊपर पानी डालने आए हैं, तोतों के नहीं पौधों को पानी डालने आए हैं। तो ये कुछ कपड़े हैं, ये धोए थे मामा ने, और यहाँ पर भी कुछ कपड़े हैं, ये भी धोए थे। तो ये मामा धोकर फैलाने छानने लगी हुई है। यहाँ पर धूप अच्छी निकली हुई है। पहले हम लोग यहाँ पर, मैं कपड़े डाल रहा था, हमने ब्लॉग में देखा था, और आज मामा कपड़े डाल रही है क्योंकि मामा ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, तो इसलिए मामा डाल रही है। यहाँ पर यहाँ से सारे के सारे कपड़े डाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा पानी डालता हूँ जो कि मैंने पौधों को डालना है। इसके बाकी नीचे हैं सारे, कोई सोए हुए हैं, कोई लेटे हुए, नीचे सफाइयाँ शाइयाँ सारी हो रही हैं। हम यहाँ पर पानी डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मामा ने सारे अपने कपड़े फैला लिए हैं, फैला के नीचे चली गई हैं। और अब मैं इधर हूँ, मैंने पौधों को पानी डाल दी, अपने गिलास उठा लेते हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा एलोवेरा भी निकला हुआ है, और एलोवेरा की एक और ये जड़ से निकल रही है देखें, जिसके ऊपर छोटे छोटे और एलोवेरा निकल रहे हैं। और इसी तरह ये देखें, यहाँ पर धनिया था, इनको मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पर भी कोई बीज है, यहाँ पर भी बीज डाले मैंने, तोरी छोरी इसके भी, कद्दू शद्दू, ये भी धनिया है, ये टमाटर निकला हुआ है, पौधा निकला है उसका। तो ये सारों को मैंने डाल दिया। तो आप चलते हैं वापस नीचे। धूप ऊपर बहुत तेज़ है, सर्दी है, लेकिन सर्दी में ज़्यादा देर धूप नहीं खड़ा हो सकता, इतनी तेज़ धूप है ना, वो बंदा एकदम गर्म हो जाता है। तो इनको भी हेलो हाय कर दें, क्या हो रहा है, भागते यूँ मुझे देख तुम लोग हैं, ऐसे भागते जैसे मैं कुछ जिन आ गया हूँ, ऐसा है तो कुछ नहीं, तो ऐसे भागते जैसे जिन आ गया कोई। आई एम नॉट जिन, आई एम, मेरे पाला तुम लोग, आई एम। चार चढ़ने शुरू कर दी अपनी। और यहाँ पर भाई ये देखे माल्टे भी हैं, ये मैं कल लेकर आया था। मरी रोड में ना, उधर आती है एक साइड में मंडी लगी थी, वहाँ से मैं ये लाया था माल्टे, बहुत मज़े के थे। मैंने खाली मुझे मिले थे 180 रुपए के। तो अभी इब्राहिम जो है वो भी आ गया, लाहौर गया हुआ था, इसकी स्टोरीज़ में मैं शुरू करूँगा, इसे वीडियो सुनाई थी, वो इंशाल्लाह लगाऊंगा ब्लॉग में। तो इब्राहिम भी अब आ चुका है, ठीक है। और वो सोया हुआ है, कल से रात को सोया, फिर आज फिर से सोया हुआ है। और हुरिया जो है वो गई हुई है कॉलेज, उसको पापा लेने गए हुए। जैफा जो है वो अंदर देखें लेटा हुआ है। तो अभी खाना वगैरह खाने में खा रहे, कुछ मटर आलू कह रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ कह रहे हैं, वो बनेगी मेरे ख्याल में, ये इनमें से कुछ चीज़ बनेगी इसको यूज़ करते हुए। तो वो तो खाना अंदर अभी बंद रहा है, अपनी ये अभी माल्टा शाल्टा खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और ऊपर देख सकते हैं धूप छुप निकली हुई है अभी भी। तो आज है भाई दूसरा दिन, और वीडियो बनाना थी मैंने, कल मैंने बनानी थी, लेकिन वो कल बनाई है पूरी, बनाई नहीं, तो आपने देखा पिछली जितनी थी वो कल वाली थी। आज से जो है दूसरा दिन शुरू है। सो बस ब्लॉग में कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कंसिस्टेंट बनता रहे और बनाता रहे, लेकिन वो होता ही नहीं बना कंसिस्टेंट, कोई ना कोई काम, कोई उल्ट कट्टे खोल लिए जाते हैं। तो अभी बस आज दूसरा दिन, और आज बनेगा पुलाव, तो उसी की खुशी भी है, संडे है, तो इंशाल्लाह पुलाव शो खाएंगे। बाकी इब्राहिम जो है वो अभी तक उसकी नींद ही ख़त्म नहीं हो रही, और नींदर हो रही है ना, वही ख़त्म नहीं हो रही उसकी, तो वो अंदर सोता है, अभी उसको देखते हैं क्या कर रहा है। इसकी तो नींदर ही ख़त्म नहीं हो रही है, सोया पड़ा हुआ है। बाकी अंदर तो पापा सोए हुए हैं, ये भाई यहाँ पर जो है जी टी ए नहीं पबजी खेल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये पबजी में बिजी है। और मामा जो है वो कहीं गई हुई है बाहर घूमने फिरने, सारे गेम है, ऊपर धूप मज़े की निकली हुई है, ये लोग भी इन्जॉयमेंट में वो कहते हैं मशगूल हैं। और बस पुलाव के मुझे इंतजार है, पुलाव बने तो खाऊँ, मज़ा आ जाए। सो अभी है वो आए, देखते हैं उनसे पूछते हैं क्या काम किए थे, क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे ये लोग। तो अभी मामा लोग भी आ गए हैं, कहीं गए हुए थे मैम कोई शॉपिंग करने, आई थिंक सो, पूछते हैं। मामा आप लोग किधर गए थे पहले? पहले हम बाजार गए थे। बाजार गए थे, क्या लेने गए थे? वो कुछ चीजें जरूरत थी। अच्छा, यहाँ पर चाय बन रही है और पुलाव भी रेडी हो रहा है। पुलाव ने यखनी चढ़ा, यखनी चढ़ा दी। और ये प्याज शाज कटी, कितने मामा प्याज किलो मिले हमें? 200 रुपए किलो प्याज मिला भाई, ये 200 रुपए किलो से प्याज मिला है। प्याज बहुत महंगा है। तो अभी बस चलते हैं, और ऊपर एक काम आ गया, वो काम ये है कि हमने ऊपर जाना है, एक तो कपड़े लेकर जाने हैं जो मामा को खिलाएंगी, और हमने सर्दियों का पाइप निकालना है, सर्दियों का पाइप नहीं, गैस का पाइप निकालना है, हीटर का, जो कि ये हीटर है, इसका पाइप नहीं मेरा, कब से हीटर पड़ा है। तो ऊपर की छत में होगा, जाके देख कर आते हैं, पाइप ढूंढते हैं और फिर वापस नीचे आते हैं, पहले कपड़े ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर आ गए, कपड़े तो वाली पहले बिछे हुए ऊपर लटके हुए थे, ये टोकरी ऊपर ले आऊँ, बाकी एक टोकरी जो है
वो ज़ैफ़ा नीचे से लेकर आएगा। दरवाज़ा सा खोल लिया, तो अभी हमने ढूंढना है पाइप, गैस वाला पाइप, जो कि कहीं ऊपर पड़ा होगा, इधर और कहीं नहीं है, ऊपर है, तो ऊपर ढूंढते निकालते हैं कहाँ पर होगा। तो पाइप निकाल लिया हमने, बड़ी मुश्किल से निकाला यार, सही ऊपर चढ़ना पड़ा ये। हाँ मैं पहले चढ़ाऊँ ये इस मंजी के ऊपर, इस मंजी के ऊपर चढ़ाऊँ, दोनों पाँव इधर अपने रखे हैं इस जगह, और फिर वो ऊपर से उतारा है मैंने, अंदर बहुत सामान पड़ा हुआ था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से पाइप निकल आया, जो कि घर वालों को कितने दिनों से नहीं मिल रहा था, हमजा को मिल जाती थी। सो अब यहाँ से नीचे फेंकते हैं इसे। गेट आउट, एटम बम इज कमिंग सून। दूसरा वो गिर गया, इसको ताला लगाते हैं और चलते हैं नीचे। प्लाव बंद रहा है, मिलते हैं प्लाव के वक्त। अब आपको इधर काय फेंक, देखो मोटरसाइकिल के ऊपर तो नहीं जा रही हो, कपड़े ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन फेंक पता नहीं किधर रहे हैं ये लोग। ये रहे अपरू आ रही, अपरू चल तू इधर आ, अपरू आ रही, अपरू उल्टे सीधे कपड़े फेंके जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपना पुलाव रेडी हो गया है, बड़ी लेट मामा रेडी हुआ है, लेकिन भूख सही लगी हुई है, तो अभी पुलाव खाते हैं। मामा जल्दी से डाल दें, तो उसके बाद आपको दिखा रही है यखनी सी भी कोई पड़ी हुई है। पुलाव बन गया भाई, पुलाव आ गया, टाइम देख सकते हैं तकरीबन 3 बज रहे हैं, तो आज लेट हमने किया क्योंकि संडे था, तो हम भी अगर लेट खाएंगे तो भूख बड़ी सख्त लगी हुई है। तो ये चेक करें, बोटी छोटी, मैंने कहा हाथ से खाऊंगा ना, चम्मच के साथ ही, जो हाथ से खाने का मज़ा ना, ये देखें ये आ गया बोटी छोटी। ओए होए होए, थोड़ी सी यहाँ पर दही सा लगाते हैं, आए हाय हाथ से खाने का अपना ही मज़ा है। ये चेक करें, मज़ेदार सी रेडी होगी। कहते हैं रोशनी थोड़ी कम है क्योंकि लाइट में हमें गई भी है या है कुछ पता नहीं। बहुत आला, आज का भाई व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, खाना खा लूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।